नेकफाली, नेकफाली का मतलब किसी अच्छी चीज़ को देख करके ये समझना कि हमारा फलां काम अच्छा होगा इंशाअल्लाह। जैसे आप रास्ते से जा रहे हैं, किसी अहम काम के लिए निकल रहे हैं, रास्ते से गुज़रते हुए आपको मस्जिद नज़र आ गई, आपकी नज़र मस्जिद के ऊपर पड़ी, या किसी अल्लाह वाले के ऊपर पड़ी, किसी नेक आदमी के ऊपर आपकी नज़र पड़ी, तो आप क्या बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन हमारा अच्छा होगा, क्योंकि रास्ता गुज़रते हुए इस नए शहर में, नए गांव में एक अल्लाह वाले पर, एक दाढ़ी टोपी वाले पर नज़र पड़ी, एक मस्जिद पर नज़र पड़ी, इसको क्या बोलते हैं, नेक फाल बोलते हैं। तो नेक फाल लेना इस्लाम में जायज़ है, बदफाल नहीं लेना है, बुरा फाल नहीं लेना, बिल्ली आ गई तो डर जाने का, पीछे चल जाने का, ये सब नहीं करना। एक व्हाट्सएप में एक वीडियो मैंने देखा, एक गैर मुस्लिम है, हिंदू भाई है, वो बताता है असल इसका राज क्या है कि रास्ते में अगर बिल्ली आ जाए तो लोग आगे नहीं जाते थे, इसका असल राज क्या है। वो हिंदू भाई बोलता है कि असल में बिल्ली जब रास्ते से गुज़रती है तो जब फैमिली उनकी गुज़रना है तो पहले बड़ी बिल्ली आती, फिर उसके बाद उसके बच्चे आते हैं, इस तरह पूरा वो फैमिली बन करके वो बिल्लियाँ गुज़रती हैं, इसलिए रास्ते में जाने वाले रुक जाते हैं ताकि बड़ी बिल्ली आगे चली जाए और उसके बच्चे भी साथ में निकल जाए। अगर हम बिल्ली के गुज़रते हुए आड़ा चले जाएंगे, उनके छोटे बच्चे इधर उधर बिखर जाएंगे, इस डर से लोग रुकते थे ताकि बच्चों को तकलीफ ना हो, उनके बच्चे भी बिल्ली के साथ साथ पीछे चले, इसलिए लोग रास्ते में रुक जाया करते थे। लेकिन ये होते 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 क्या हो गया, बिल्ली आड़ा आ गए तो आगे नहीं बढ़ना, क्या कि कोंपा डूब जाता, इन्हें कब्रस्तान कुचल जाता, मर जाता आदमी, नुकसान हो जाता, इंटरव्यू में फेल हो जाती, लोगों ने ये बना लिया। ऐसे ही औरतें बोलती हैं कि रात में झाड़ू नहीं लगाना, रात में झाड़ू लगाए तो नुकसान हो जाता, रात में झाड़ू लगाए तो बेबरकती आती, औरतें बोलती हैं कि नहीं बोलती हैं, ये बात कहाँ से आई है। असल में पुराने ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम नहीं था, घरों के अंदर चराग जलाते थे जिसकी रोशनी बिल्कुल मामूली सी हुआ करती थी। अब रात के अंधेरे में अगर झाड़ू लगाए, मुमकिन है कि कान का कम्मा नीचे गिर गया हो, हाथ से बंगड़ी निकल करके नीचे गिर गई हो, या कोई सोने का चांदी का जेवर या सोने का चांदी का सिक्का पैसा वो नीचे गिर गया हो और अंधेरे की वजह से नज़र ना आए और उसको झाड़ू लगा करके बाहर फेंक दे। इस नुकसान से बचने के लिए पुराने ज़माने के लोग रात में झाड़ू लगाने से मना करते थे, लेकिन लोगों ने क्या समझ लिया कि रात में अगर झाड़ू लगाएंगे तो घर के अंदर नुकसान होगा, बेबरकती आएगी, ये सब बेकार की बातें। तो बहरहाल नेक फाल इस्लाम में लेना जायज़ है।